तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो एसबीआई का जो पैसे निकालने वाला फॉर्म होता है वो अगर आप भरना चाहते हो तो कैसे भर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी अकाउंट होल्डर्स का नाम होता है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको रुपए लिखना होगा, यहाँ पर नंबर में लिखना है। जैसे अगर आपको 5,000 रुपये निकालने हैं तो यहाँ पर 5 3 बार 0 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड में लिखना होगा, जैसे कि 5,000 अगर आपको निकालने हैं, जैसे 5,000 निकालें तो उनको आपको यहाँ पर वर्ड में लिखना है। वर्ड में लिखने के लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो गूगल पे, इस तरीके से आप 5,000 लिखना है, उसके बाद इन वर्ड आप लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं 5,000 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जितने रुपये निकालने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आपको वर्ड में मिल जाता है, वर्ड में लिखने के बाद जैसे 5,000 रुपीज़ लिखा आपने, उसके बाद यहाँ पर ऑनली भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता, अगर आपको अंगूठा लगा दो तो आप अंगूठा भी यहाँ पर लगा सकते हो। अंगूठा लगाने के लिए आपको बैंक में जाना होगा, बैंक में जाकर के आपको मिल जाएगा अंगूठा लगाने वाला, उस पर लगा कर अपना अंगूठा, फिर आप यहाँ पर अंगूठा भी लगा सकते हो अपना। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ये सब, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ये फॉर ऑफिस यूज़ के लिए है। यहाँ पर जो कि ऑफिसर जो होंगे, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो लोग यहाँ पर वो अपना काम करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। अभी आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है, आप जाकर के आपको इसे बैंक में देना है और आपको अपने पैसे ले लेने हैं, ठीक है। आप काउंटर पर जाकर के पैसे ले सकते हो, ये इस फॉर्म को आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए, अगर आपको कुछ और पूछना है मेरे से, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, और मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।